8. नहीं, ऐसे नहीं रोते, नहीं, चुप हो जा। 9. जी आप कौन? जी मेरा नाम विराज है और ये मेरी बेटी है माया। नमस्ते। हमें पता चला है कि आप और आपके पति ने एक नई चीज बनाने की सोची है। आपको ये सब कैसे पता? बस समझ लीजिए, मैं एक ऐसा बिजनेसमैन हूँ जो हमेशा मौके की तलाश में होता है, और अभी भी बस हम एक सही मौके को तलाशते हुए यहाँ आ गए। वैसे आंटी, किडनैपिंग और बच्चों को मारकर उनका खून बेचना इज अ बिग क्राइम, और हमें पता है बिजनेस को चलाने के लिए एक हाथ की जरूरत होगी ही। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा। कम ऑन आंटी, आपके घर में जो 8 बच्चे हैं आपके नहीं हैं, और जो आपके घर के पीछे गड़े हुए हैं, कभी ना कभी तो पुलिस को उनका पता चलना ही है। माया आगे बढ़ी और मलिका के हाथों में से दोनों बच्चे लिए। मलिका इससे पहले कुछ कह पाती, विराज ने उसे नोटों की गड्डी पकड़ाते हुए कहा, आई थिंक वी नीड टू टॉक। बहन चोद, तुम फिर से अपने भूतने के सपने में खो गए। ध्रुव, आर यू ओके? गाड़ी से उतरो तीनों। भैया बड़े भयंकर निर्दयी प्रजाति के मालूम होते हो तुम। हमारा दोस्त अभी पीटा है और तुम हो क्या अलग ही गर्मी में हो? हम पहुंच गए। तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी है, इसलिए ये जगह परफेक्ट है तुम्हारे छुपने के लिए। ये तो मल्लिका और विजय की फैक्ट्री, यहीं वो ब्लड बाथ हुआ था। अगर सच में ये सारी आत्माएं हैं तो कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन इससे जरूर होगा। मैंने सपने में माया जी और विराज को मल्लिका के साथ हाथ मिलाते हुए देखा। वेल इट्स गुड, शायद तुम उन्हें यहां से मुक्ति दिला सको। बिथ्रो एक बात बताओ, ये हमारी कुंवारी ठर की भूतनी जी ने ये बंगालियों वाला काला जादू भी सीख लिया है क्या, कि उनकी आंखों में देख के ये आदमी तुम्हारी मदद कर रहा है? मैं भी यहां से जा रहा हूं, शहर में पुलिस वालों को तुमसे दूर ही रखना होगा। ध्रुव, हॉस्पिटल से कुछ बच्चे किडनैप हुए हैं। इसका मतलब आगे जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ ध्रुव के पीछे आएंगे, क्योंकि पुलिस वालों को लगता है कि ध्रुव उन्हें कॉपी कर रहा है। अब महिंद्रा ने उन्हें मेरे पीछे भेजा है मरने के लिए, तो यहाँ पर सिर्फ मैं रहूंगा। अबे बाहर आ गए हो क्या? तुमको शेर के मुंह में हाथ क्यों डालना है? मेरे पास एक आइडिया है, वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि हम खुद महिंद्र और उनके आदमियों के सामने सरेंडर कर दें। अगर हमने सरेंडर किया तो शायद हमें उनसे बचने के ही नहीं उनसे लड़ने के भी रास्ते मिल जाए। पर तुम लोग ये करोगे कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। भाई पागल है क्या? तुझे पता है ना कि वार्डन ने यहाँ आने से मना किया है। चलना, कभी ऐसा कुछ नहीं होता। वो याद है सीरियल किलर, वो रोज यहाँ आता था, मैंने देखा उसको कितनी बार। लगता है ये साला इसीलिए पागल हो गया है। भाई ये जगह थोड़ी अजीब है ना? तुझे कुछ सुनाई दिया क्या? नहीं तो भाई यहां से निकलते हैं। दोनों लड़के जैसे ही पीछे मुड़े, उनके सामने का नजारा बदल गया था। उनके ठीक सामने एक लड़की खड़ी थी, अपने हाथों में 2 बच्चों को लिए, और उसके ठीक पीछे एक हॉस्पिटल बेड और अजीब तरह के इक्विपमेंट्स थे, जिन्हें देखकर ये समझ आ रहा था कि रूम नंबर 13 में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी को खबर नहीं है। भाई ये औरत, मेरे बच्चों को देखो ना, वो मुझसे बात नहीं कर रहे, बिल्कुल चुप है। तुम दोनों ट्राई करो ना, ये हंस क्यों नहीं रहे? मुझे 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 जाने दीजिए। जाने?
पर तुम तो यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। मेरे बच्चों को भूख लगी है और उन्हें तुम्हारा खून चाहिए। दोनों लड़कों के हाथ पैर कांपने लगे थे। उन्होंने मदद के लिए कई बार चिल्लाया, पर ना उन्हें कोई बचाने आया और ना ही कोई उन्हें मलिका के चंगुल से निकालने। देखते ही देखते कमरे में अचानक से एक साथ कई बच्चे भर गए थे। उन नवजात बच्चों का कहीं से सर फटा हुआ था तो कहीं से हाथ कटे हुए थे, पर उनके पैने अजीब से दांतों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी किसी को खा जाएंगे। हमें जाने दीजिए प्लीज। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। हमें जाने दीजिए। हमें जाने दीजिए। हमें जाने दीजिए। मलिका ने उनकी गर्दन दबोची, उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे बच्चों को भूख लगी है, उन्हें खून दो। मलिका ने अपने दोनों हाथों से उनका कॉलर पकड़ा। दोनों की बढ़ती चीखों से जैसे मलिका के अंदर एक नई ताकत जन्म ले रही थी। उसने दोनों लड़कों को घसीटा और उनके बच्चों की तरफ फेंक दिया। गोडाउन के अंधेरे में खड़ा ध्रुव चारों तरफ देख रहा था। प्रसाद और लावण्या गोडाउन से थोड़ी ही दूर पर थे, क्योंकि आगे जो भी करना था वो ध्रुव ही कर सकता था। हेलो, आर यू श्योर तुम्हें ये करना है? उन्हें मुक्ति तो दिलानी ही पड़ेगी ना, वरना शहर में लोगों की जान ऐसे ही जाती रहेगी तो इन सब का कुसूरवार लोग मुझे ही समझेंगे। तुम साले जिंदा वापस आ जाना। हर बार जिंदा ही आए हैं हरामी। वेल वेल वेल, हाउ वाज जेल ध्रुव? तुम्हारे हेल लूप से तो काफी बेटर है। स्टॉप एक्टिंग स्मार्ट। यहाँ क्यों आए हो तुम? मल्लिका और विजय को रोकने के लिए? तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम जो भी कर रहे हो वो ठीक नहीं है। ओह कम ऑन, कट द क्रैप। तुम्हें ये जानना है कि सच में इन सारे फसाद में कहीं माया को कुछ हुआ ना हो। पर अफसोस, माया रायचंद नेवर केयर्ड अबाउट एनीवन। तुम्हें आखिर चाहिए क्या महिंद्रा? मुझे बस बदला चाहिए। हम सबको बस बदला चाहिए, उस दर्द का जब विराज ने हमें दिया। और ये तभी दूर होगा जब उनकी आत्मा यहाँ प्रेत नगरी में तड़प तड़प कर अटक जाएगी। उसकी चिंता तुम मत करो माया जी, उनका क्या रिश्ता है इनमें से? ओ, तुम्हें माया के लिए बुरा लग रहा है? प्यार के लिए इतनी गर्मी? ठीक है, तुझे जानना है ना तो ये देख ले तेरी माया का असली रूप। Eight. माया ने जो किया है उसकी सजा तो उसे मिलेगी ध्रुव, पर तुमसे मेरा खास हिसाब है। ये हिसाब तुम्हारे और मेरे बीच का है, इसमें मासूम लोगों को घसीटने की कोई जरूरत नहीं थी। ये हिसाब हमारे बीच का है, और बीच में जो भी आएगा उसे तो मरना ही है। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है, देखा है ना कैसे माया ने उन बच्चों को अपने हाथों में लिया था, कैसे माया ने वनराज को लोगों को मारने के लिए उकसाया था। गलती इंसान से ही होती है और माया जी से भी हुई है। काफी दोगले किस्म के इंसान निकले तुम तो। अगर माया ने जो किया है वो गलती और हमने जो किया है वो, जिस चीज की सजा उसने और उसके बाप ने दी है उसका क्या? तो तुम उनसे बदला लेना चाहते हो? बदला बहुत छोटी चीज है ध्रुव, मैं उसकी आत्मा को तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। महेंद्र ने ध्रुव के मार्ग पर हाथ रखा और उसका दूसरा हाथ खींचता हुआ अपने माथे पर रख दिया। अचानक से ध्रुव का शरीर जमीन पर गिर गया, और जब ध्रुव की आंखें खुली तो उसकी आंखों के सामने का मंजर बिल्कुल बदला हुआ था। ध्रुव ने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसके सामने एक काल कोठरी थी, और उस काल कोठरी के अंदर सारे के सारे लोगों के चेहरे ढके हुए थे। ये देखकर ध्रुव इतना तो समझ गया था
कि ये वही काल कोठरी है जो विराज ने इन सीरियल किलर्स के लिए बनवाई थी। लोग उस काल कोठरी के अंदर छटपटा रहे थे, गुस्से और दर्द में चीख रहे थे। वहीं एक काल कोठरी से ध्रुव को किसी की रोने की आवाज आ रही थी। ध्रुव की आंखें अपने आप उस काल कोठरी के पास चली गई जहां से वो रोने की आवाज आ रही थी। मल्लिका? ध्रुव के नाम लेते ही मल्लिका ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। वो अचानक से चीख पड़ी। ध्रुव उसे शांत कराने वाला ही था कि तभी किसी के पीछे से चलने की आवाज ध्रुव के कानों में पड़ी। लगता है आज आपकी बारी है। मुझे जाने दो प्लीज। क्या हालत हो गई है बताओ? जल्लाद से भी बदतर ट्रीटमेंट मिलती है ना यहाँ। पानी पानी। आई एम सॉरी, पर एक्सपेरिमेंट के पहले मैं तुम्हें कुछ खाने नहीं दे सकती। इन सब की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, भगवान सब देख रहा है। भगवान अगर होते तो तुम जैसों की जगह मुझे कभी यहाँ बनानी ही नहीं पड़ती। You made us a killer. I am just a child. तुम अगर खूनी बने हो, अपनी choices से बने हो, और मेरे पिता तुम्हें मोक्ष दे रहे हैं, तो चुपचाप चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे किसी भी एजेंडा का साथ नहीं दे रही। Oh please. तुम ऑलरेडी मेरे मकसद के शिकार बन चुके हो, और अब बारी है तुम्हारे बच्चे की। बच्चे का नाम सुनकर मल्लिका के चेहरे का जैसे रंग ही बदल गया। उसने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? Well, तुम्हें तो पता है ना कि इट्स आर द प्योरेस्ट सोल एंड पवित्र आत्माओं की जरूरत कैसे होती है। तुमने खुद कितने बच्चों को मारा है। छोड़ो 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 मुझे, let me out. You want to save your kids? Just go through this experiment. 15 मिनट है तुम्हारे पास। आज एक्सपेरिमेंट या तो तुम पर होगा या बच्चों पर। बताओ, अभी भी तुम्हें माया की फिक्र है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। है ना? ऐसा ही लगता है जब तुम जिससे प्यार करो वो एक खूनी तरिंदा निकलता है। तुम्हें विराज से नफरत है क्योंकि उसने लोगों की जान ली है, पर क्या तुम माया को माफ कर पाओगे? तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। क्या चाहते हो तुम? बस एक चीज, तुम इस लड़ाई में हमारा साथ दो। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, बदला चाहिए। प्रेत नगरी में माया और हसीना को हमेशा हमेशा के लिए कैद करना होगा। अरे ये लौंडा अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहा है? I got some more information. आपको मिला उनको ढूंढने का कोई तरीका? नहीं, पर अभी अभी चौकी से खबर आई है कि तुम्हारे कॉलेज में रूम नंबर 13 में 2 लड़कों की बॉडी मिली है, और बॉडी डिस्क्रिप्शन से ऐसा लग रहा है जैसे जैसे ध्रुव ने मारा हो। हाँ, विच मीन्स वो दोनों रूम नंबर 13 में है। तो ध्रुव को हमें यहाँ से लेकर जाना होगा। नहीं, जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता उसे किसी भी तरह हमें यहीं रखना होगा। He can handle ghosts. मैं ध्रुव को अकेला नहीं छोड़कर जा रहा। उसको हम भले ही हमारी ठरकी भूतनी जी के पास छोड़कर आ जाएंगे। आपको उन दोनों के बारे में कुछ पता चला? Well, उन लोगों ने जो ब्रांड बनाया था, टर्न्स आउट वो अभी भी दुनिया में चल रहा है, और बहुत जल्द दिल्ली में एक फेस्टिवल होने वाला है। इट्स लाइक वाइन टेस्टिंग फॉर पीपल लाइक दीज, जिनको खून पीने में इंटरेस्ट हो। पर उससे हमारे केस का कोई वास्ता कैसे होगा? शायद हो, अगर वो कंपनी एग्जिस्ट करती है, मतलब उसे चलाने वाला भी। और फिर अगर उसे चलाने वाला है तो इसका मतलब कोई ऐसा कनेक्शन भी होगा जो इन सीरियल किलर्स को मुक्ति देने के लिए हमें रास्ता बता दे। ठीक है, पर हम वहाँ ध्रुव को कैसे लेकर जाएंगे? यू नो, जितनी बार मैं तुमसे मिलता हूँ उतनी बार मुझे तुमसे पहले वाले इंसान की याद आती है जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे। सच पूछो तो मैं ढूंढने भी उसे ही आया था। किसकी बात कर रहे हो तुम? माया का एक्स, माया का कंधा बनकर जो उसके साथ रहा उसका। What nonsense!
ये तुम क्या बोल रहे हो? ओ, तो तुम्हें लगा तुम माया के पहले प्यार हो? जिस माया को तुम देवी समझ रहे हो उसका असली रूप यही है ध्रुव, एक मक्कार धोखेबाज शिकारी है वो, और वो तुम्हें भी इस्तेमाल कर रही है ताकि वो अपना एजेंडा पूरा कर सके। तुम झूठ बोल रहे हो। तो तुम ये कह रहे हो कि तुमने ऐसा कुछ भी सपने में नहीं देखा है? मेरे आने से पहले, वनराज के आने से पहले, मल्लिका और विजय के आने से पहले क्या कभी तुम्हें माया का हेल लुक नहीं दिखाई दिया? बस तुम मेरे दिमाग से खेल रहे हो। चॉइस इज योर्स। तुम कुछ चाहो तो माया से मिल सकते हो, वो ज्यादा दूर नहीं है तुमसे। पूछो उससे कि क्यों उसने अपने बाप का साथ दिया, क्यों लोगों को मारा।